देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। सहारनपुर में आज सेंट थॉमस चर्च में गुड फ्राइडे का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मसीह समुदाय के महिला और पुरुषों ने उपस्थित होकर प्रभु मसीह के बलिदान को याद किया। रेवरेंड डैनियल मसीह सेंट थॉमस चर्च जो सिविल हॉस्पिटल के पास में बाजोरिया रोड पर स्थित है सहारनपुर से, गुड फ्राइडे जो है ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को रोमी साम्राज्य की सरकार ने जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था और तीसरी और चौथी शताब्दी में जो है पर्शियन जो किंग थे डायरस नाम उनका द्वितीय किंग, उसने ये जो प्रथा चलाई गई थी, दूसरे शब्दों में इसे जो है कैपिटल पनिशमेंट कह सकते हैं। लेकिन जिन दिनों में प्रभु ईसा मसीह थे इस जमीन पर और वो परमेश्वर का ईश्वर का संदेश दे रहे थे, वो ऐसा समय था जब उस समय में रोम साम्राज्य था। रोम साम्राज्य के एक नीरो बादशाह थे, उन लोगों ने रोम में जो है इसको और ज़्यादा अधिक जो है खतरनाक तरीके से इसको लागू कर दिया। तो रोम के समय में प्रभु ईसा मसीह को क्रूस पर चलाया गया, तो गुड फ्राइडे को इसलिए मनाया जाते हैं। और क्रूस पर जो है प्रभु ईसा मसीह को इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि जो यहूदी जो इसराइल है जहाँ प्रभु ईसा मसीह का जिस देश में जन्म हुआ जिन जिन लोगों में वो थे वहाँ की किताबों के अनुसार जो है वहाँ के पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा लिखा गया था कि जब तक कोई जो है क्रूस पर बलिदान नहीं देगा, जब तक कोई बलिदान नहीं देगा मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। और उन सात शब्दों को जो है आखिरी शब्द कहते प्रभु ईसा मसीह जो है थर्सडे की रात बृहस्पतिवार की रात से लेकर आज 3 बजे तक क्रूस पर लटके हुए हैं, अपने प्राण दे दिए। उनको किसी ने नहीं मारा क्योंकि वो परमेश्वर थे, ईश्वर पुत्र थे, ईश्वर पुत्र को कौन मार सकता है। उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए पापों की क्षमा के लिए बलिदान दिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। अच्छा मृत्यु तो हुई लेकिन अच्छा इसलिए हुआ एक के मरने से सारी दुनिया के पापों की क्षमा मिली है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।